नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद, टॉयलेट एक लव स्टोरी, श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगु शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है, जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह, संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शिखर, सचेत परंपरा, उत्पादन कंपनियां वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्म वर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017 भारत, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म 210 करोड़ यूएस डॉलर 26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है, जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उसे उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है
और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीण को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक न देने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि उनके गाँव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गांव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर दीनानाथ, डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित बिमलनाथ शर्मा पंडित जी या बिमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे राम प्यारी, दादी शर्मा केशव की दादी के रूप में रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद प्रधान के रूप में, सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावन, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो, गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21, भाषा हिंदी लेवल टी सीरीज, फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत घोरी तू लठमार था, जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने
अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार, इस गाने को संगीत दिया है मानस शिखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छली हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन, इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद, टॉयलेट एक लव स्टोरी, श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगू शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है, जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह, संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शिखर, सचेत परंपरा, उत्पादन कंपनियां वायकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्मवर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वायकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017 भारत, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म $210 करोड़ $26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है, जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उसे उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है
कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निरर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक न देने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि उनके गांव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गाँव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर दीनानाथ, डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित बिमलनाथ शर्मा पंडित जी, या बिमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, रामप्यारी, दादी शर्मा केशव की दादी के रूप में, रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद प्रधान के रूप में, सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक, कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावंत, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो, गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21 भाषा हिंदी लेवल टी सीरीज फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था।
जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठमार था, जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था, और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हंसमत पगली। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने, और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने, और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठमार। इस गाने को संगीत दिया है मानस शेखर ने, और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन। इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने, और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने, और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद, टॉयलेट एक लव स्टोरी, श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगू शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है, जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह, संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शिखर, सचेत परंपरा, उत्पादन कंपनियां वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्मवर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017। भारत, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, और उनकी पहली फिल्म 210 करोड़ यूएस डॉलर 26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है, जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में
तीन नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निरर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी मां शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी मां की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक ना देने का आग्रह किया जाता है क्योंकि उनके गाँव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गांव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर दीनानाथ, डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित विमलनाथ शर्मा पंडित जी या बीमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, राम प्यारी, दादी शर्मा केशव की दादी के रूप में, रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद प्रधान के रूप में, सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक, कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान, कैमियो
मीना के रूप में खुशबू सावंत, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो। गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21 भाषा हिंदी लेवल टी सीरीज फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठ मार था जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार। इस गाने को संगीत दिया है मानस शेखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छली हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन। इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद टॉयलेट एक लव स्टोरी श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगू शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह। संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा। उत्पादन कंपनियां वायकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्म वर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017 भारत।
कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म 210 करोड़ यूएस डॉलर 26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निरर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक न देने का आग्रह किया जाता है क्योंकि उनके गाँव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गांव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा,
नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर दीनानाथ, डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित बिमलनाथ शर्मा पंडित जी, या बिमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, राम प्यारी, दादी शर्मा केशव की दादी के रूप में रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद प्रधान के रूप में सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावंत, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो, गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद मानस शिखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21 भाषा हिंदी लेवल टी सीरीज फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद मानस शिखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठ मार था जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाली ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार। इस गाने को संगीत दिया है मानस शिखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छली हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन। इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद टॉयलेट एक लव स्टोरी श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्येंदु शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह, संगीत यह है विक्की प्रसाद, मानस शिखर, सचेत परंपरा, उत्पादन कंपनियां वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्मवर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017, भारत, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म 210 करोड़ $ 26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निरर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी मां शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है।
कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक ना देने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि उनके गांव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गाँव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गांव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना, केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा, नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा, नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर, दीनानाथ, डीजे कक्का, जोशी के रूप में पंडित विमलनाथ शर्मा पंडित जी, या बिमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, राम प्यारी, दादी शर्मा, केशव की दादी के रूप में रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद, प्रधान के रूप में सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक, कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावन, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो, गीत संगीत शौचालय एक प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 21, भाषा हिंदी, लेवल टी सीरीज, फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद, मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठ मार था, जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार, इस गाने को संगीत दिया है मानस शेखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छली हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन, इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद।
शौचालय एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद, टॉयलेट एक लव स्टोरी श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगू शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है, जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह, संगीत यह है विक्की प्रसाद, मानस शिखर, सचेत परंपरा, उत्पादन कंपनियां वायकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्म वर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वायकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017 भारत, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म $210 करोड़ $26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है, जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निरर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन केशव शौचालय को
शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक न देने का आग्रह किया जाता है क्योंकि उनके गाँव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गांव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर दीनानाथ, डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित बिमलनाथ शर्मा पंडित जी, या बिमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, राम प्यारी, दादी शर्मा केशव की दादी के रूप में रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद प्रधान के रूप में, सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक, कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावंत, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो, गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21 भाषा हिंदी लेवल टी सीरीज फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठ मार था, जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाली ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार। इस गाने को संगीत दिया है मानस शेखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छली हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन। इस गाने को संगीत दिया है सचेत परम्परा ने और इस गाने के गायकार सचेत परम्परा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ट्वाइलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद, टॉयलेट एक लव स्टोरी, श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगू शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है, जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह, संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शिखर, सचेत परंपरा, उत्पादन कंपनियां वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्मवर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017 भारत, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म 210 करोड़ $ 26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है, जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उसे उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में
बिना अपने घर में एक शौचालय के निर्माण करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक ना देने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि उनके गांव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गाँव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर दीनानाथ, डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित विमलनाथ शर्मा पंडित जी या बिमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, राम प्यारी, दादी शर्मा, केशव की दादी के रूप में रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद प्रधान के रूप में, सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक, कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावन, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो, गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21, भाषा हिंदी लेवल टी सीरीज, फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठ मार था, जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंडट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने।
गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार। इस गाने को संगीत दिया है मानस शिखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छली हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन। इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद, टॉयलेट एक लव स्टोरी, श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगु शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है, जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह, संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शिखर, सचेत परंपरा, उत्पादन कंपनियां वायकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्म वर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वायकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017 भारत, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म $210 करोड़ $26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है, जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उसे उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों।
चूंकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीण को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निरर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक ना देने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि उनके गांव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गाँव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर दीनानाथ, डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित बिमलनाथ शर्मा पंडित जी, या बिमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, राम प्यारी, दादी शर्मा, केशव की दादी के रूप में रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद प्रधान के रूप में, सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक, कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावन, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो, गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21, भाषा हिंदी लेवल टी सीरीज, फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठ मार था।
जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हंसमत पगली। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार। इस गाने को संगीत दिया है मानस शिखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन। इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद, टॉयलेट एक लव स्टोरी, श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगु शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है, जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह, संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शिखर, सचेत परंपरा, उत्पादन कंपनियां वायकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्मवर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वायकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017। भारत, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म 210 करोड़ यूएस डॉलर 26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है, जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उसे उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निरर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक ना देने का आग्रह किया जाता है क्योंकि उनके गांव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है जबकि पूरे गाँव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर दीनानाथ, डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित विमलनाथ शर्मा पंडित जी या भीमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे राम प्यारी दादी शर्मा केशव की दादी के रूप में, रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद प्रधान के रूप में, सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेड़ेकर निदेशक कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावंत, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो।
गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21 भाषा हिंदी लेवल टी सीरीज फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत घोड़ी तू लठ मार था जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 घोड़ी तू लठ मार। इस गाने को संगीत दिया है मानस शेखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन। इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद टॉयलेट एक लव स्टोरी श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अनुपम खेर सुधीर पांडे और दिव्यंगु शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित अरुणा भाटिया शीतल भाटिया प्रेरणा अरोड़ा अर्जुन एन कपूर नीरज पांडे ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह संगीत दिया है विक्की प्रसाद मानस शिखर सचेत परंपरा उत्पादन कंपनियां वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट शुक्रवार फिल्म वर्क्स प्लान सी स्टूडियो केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017 भारत कार्यकारी समय 155 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 32 करोड़ बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़
यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म 210 करोड़ यूएस डॉलर 26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निरर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं जबकि केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं जब तक कि एक दिन उनकी मां शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी मां की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक ना देने का आग्रह किया जाता है क्योंकि उनके गाँव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है जबकि पूरे गांव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर दीनानाथ,
डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित बिमलनाथ शर्मा पंडित जी, या बिमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, राम प्यारी, दादी शर्मा, केशव की दादी के रूप में रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद, प्रधान के रूप में सरपंच के रूप में रति शंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक, कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावन, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो, गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21, भाषा हिंदी, लेवल टी सीरीज, फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक बखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठ मार था, जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार। इस गाने को संगीत दिया है मानस शेखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छली हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन। इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद टॉयलेट एक लव स्टोरी श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगू शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है, जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना।
अभिनीत अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह संगीत दिया है विक्की प्रसाद मानस शिखर सचेत परंपरा उत्पादन कंपनियां वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट शुक्रवार फिल्म वर्क्स प्लान सी स्टूडियो केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017 भारत कार्यकारी समय 155 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 32 करोड़ बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म 210 करोड़ US $26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है जो महिलाओं को निराश करती है जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों के आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है। जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं जब तक कि एक दिन उनकी मां शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी मां की मदद करते हैं।
केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक न देने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि उनके गांव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गांव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना, केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा, नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा, नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर, दीनानाथ, डीजे कक्का, जोशी के रूप में पंडित विमलनाथ शर्मा पंडित जी, या बिहू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, राम प्यारी, दादी शर्मा, केशव की दादी के रूप में रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद, प्रधान के रूप में सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक, कैमियो के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैमियो, मीना के रूप में खुशबू सावन, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैमियो, गीत संगीत शौचालय एक प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 21, भाषा हिंदी, लेवल टी सीरीज, फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद, मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठ मार था, जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार। इस गाने को संगीत दिया है मानस शेखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छली हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन। इस गाने को संगीत दिया है सचेत परम्परा ने और इस गाने के गायकार सचेत परम्परा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़। इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। शौचालय एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा अनुवाद टॉयलेट एक लव स्टोरी।
श्री नारायण सिंह द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर, सुधीर पांडे और दिव्यंगु शर्मा के साथ सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी अभियानों के समर्थन में एक व्यंगपूर्ण कॉमेडी है, जिसमें खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर दिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। निर्देशक श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित, सिद्धार्थ सिंह द्वारा निर्मित, अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, प्रेरणा अरोड़ा, अर्जुन एन कपूर, नीरज पांडे, ट्विंकल खन्ना। अभिनीत अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, छायांकन अंशुमान महाले द्वारा संपादित श्री नारायण सिंह, संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शिखर, सचेत परंपरा, उत्पादन कंपनियां वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स, क्रिएजर्स इंटरटेनमेंट, शुक्रवार फिल्म वर्क्स, प्लान सी स्टूडियो, केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा वितरित वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2017, भारत, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 32 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 210.5 करोड़। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उनकी पहली फिल्म $210 करोड़ $26 मिलियन को पार कर गई। यह फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी यह बुनियादी आवश्यकता नहीं है, जो महिलाओं को निराश करती है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाती है। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में अपने गांव से दूर नंदगांव के पास एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौच करने जाता है। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता पंडित विमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी हैं और उनका मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंस से विवाह केशव के भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केशव एक शिक्षित कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और अंततः उससे शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि केशव के पिता का मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों। चूँकि जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, केशव ने कृत्रिम अंगूठा बनवाया और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में पहनती है। केशव के बेबस पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन बिना शौच किए उत्तेजित होकर वापस आती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जया को शौचालय की ज़रूरत के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद जया अडिग है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समायोजन करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना अपने घर में एक शौचालय का निर्माण करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिन वह शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और उत्तेजित और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए एक निरर्थक प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है और अपने सामने बाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है, केशव के पिता और सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने के पहले जाग जाता है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाता है।
जया अब स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रगति के कारण यह मामला मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब तक कि एक दिन उनकी मां शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है कि वह संभवतः चल नहीं सकती, शौच के लिए खेतों में जाना चाहिए और केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें न्यायाधीश से उनके तलाक न देने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि उनके गांव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। युगल खुशी से एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं। अंतिम क्रेडिट में ग्रामीणों को अपने गाँव के बाहर मोबाइल शौचालयों का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया जाता है, जबकि पूरे गांव में शौचालयों का निर्माण आगे बढ़ता है। फेंकना केशव शर्मा के रूप में अक्षय कुमार, जया शर्मा, नी जोशी के रूप में भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा, नारायण के रूप में नारू शर्मा, अनुपम खेर, दीनानाथ, डीजे कक्का जोशी के रूप में पंडित बिमलनाथ शर्मा पंडित जी, या बिमू के रूप में सुधीर पांडे, केशव और नारू के पिता श्री जगदीश जोशी, जया के पिता के रूप में अतुल श्रीवास्तव, आयशा राजा मिश्रा, विद्या जोशी, जया की माँ के रूप में माथुरी के रूप में राजेश शर्मा, शुभा कोटे, राम प्यारी, दादी शर्मा, केशव की दादी के रूप में रस्तोगी के रूप में मुकेश एस भट्ट, कीमती आनंद प्रधान के रूप में, सरपंच के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, सचिन खेडेकर निदेशक, कैम्यू के रूप में केशव के नाम प्रेमी के रूप में सना खान कैम्यू, मीना के रूप में खुशबू सावन, जया की दोस्त रिपोर्टर के रूप में ऋचा तिवारी, आसिफ खान रिपोर्टर के रूप में कैम्यू, गीत संगीत शौचालय प्रेम कथा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विक्की प्रसाद, मानस शेखर सचेत परंपरा मुख 13 जुलाई 2017, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 21, भाषा हिंदी, लेवल टी सीरीज, फिल्म का साउंड ट्रैक विक्की प्रसाद, मानस शेखर और सचेत परंपरा द्वारा रचित था और गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए हसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया दूसरा ट्रैक वखेड़ा 5 को जारी किया गया था। जुलाई 2017 रिलीज किया गया तीसरा गीत गोरी तू लठ मार था, जिसे सोनू निगम और पलक मुच्छल ने गाया था और 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक 13 जुलाई 2017 को टी द्वारा जारी किया गया था। श्रृंखला और 5 गीतों से मिलकर बना है। अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड ट्रैक के साथ रिलीज नहीं किया गया था। यह 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था। सभी गीत सिद्धार्थ गरिमा द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 हसमत पगली, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गाना नंबर 2 बखेड़ा, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने को अपनी आवाज़ में गाया है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाना नंबर 3 गोरी तू लठ मार, इस गाने को संगीत दिया है मानस शेखर ने और इस गाने के गायकार सोनू निगम और पलक मुच्छली हैं। गाना नंबर 4 सुबह की ट्रेन, इस गाने को संगीत दिया है सचेत परंपरा ने और इस गाने के गायकार सचेत परंपरा हैं। गाना नंबर 5 टॉयलेट का जुगाड़, इस गाने को संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और इस गाने के गायकार अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।